हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेक के बारे में। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं और आपकी गाड़ी में ब्रेक का दिक्कत आ रहा है, आप किस तरह से जो है चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके, विदाउट कंप्यूटर यानी बिना कंप्यूटर के किस तरह से काम कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे कि हमने डायग्नोस्टिक में जाके एक कोड निकाला हुआ 7743, यानी ये बल्ब है, ये बल्ब का कोड है और मैंने इसको एक कॉपी के ऊपर यानी डायरी के ऊपर लिख लिया है। फिर आगे चलेंगे तो मैंने दूसरा कोड निकाला हुआ सेम ही गाड़ी में, ये सेंसर का है 6443। किस तरह से इस पर काम करना आगे हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी गाड़ी में दिक्कत आया बहुत ही आसानी के साथ चेक, ये तीसरा कोड 7609 एक किस चीज़ के कोड हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक PDF है जो कि BS की है, हम इसमें चेक करने वाले हैं किस तरह से जो है चेक कर सकते हैं और गाड़ी में क्या 7609 डाला तो इसने बताया ट्रेलर कंट्रोल बल्ब ओपन सर्किट। कह रहा है कि ट्रेलर का बल्ब आपका ख़राब हो सकता है या वायरिंग में फॉल्ट हो सकते हैं। तो हम इसी के साथ ही अब दूसरा जो हमारा कोड रहेगा उसको चेक करेंगे, क्योंकि अभी वायरिंग चेक करना, अगर वायरिंग नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे, हम बल्ब को चेंज करेंगे। अगर बल्ब हमारा सही होगा तो क्या होगा, एरर कोड जो है हमारा ये गायब हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर से। 7609 यानी ट्रेल कंट्रोल बल्ब जो हमारा सतह के ऊपर लगा रहता है, सतह का बल्ब होता है और राश में लगा रहता है। आगे हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा एरर कोड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डालेंगे अभी हम 6443। जैसे हमने डाला आप देखेंगे K2, जैसे कि पहले भी आपने देखा सेंसर का रहा था जिसमें K2 सेंसर ब्रेक पैडल पोजीशन नो सिग्नल, यानी जो हमारा ब्रेक पैडल रहता है जिसे हम ब्रेक दबाने पे ब्रेक लगता है वो सिग्नल नहीं दे रहा है। इसमें भी सेम ही प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपका सेंसर ख़राब हो गया है पैडल में का जो कार्बा लगा था वो ख़राब, या उसकी तार कहीं से टूट गया, सील टूट गई है। 100% हम इस वीडियो में जो काम करने वाले विद आउट कंप्यूटर यानी बिना कंप्यूटर यूज़ किए हुए हम इस गाड़ी को ओके करेंगे इंशाल्लाह। और ये सक्सेसफुल मैंने किया है क्योंकि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं आप इस वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसकी लोकेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो उसके बाद तीसरा जो हमारा कोट आया है वो 7743, ये भी ट्रेलर कंट्रोल प्रेशर बल्ब का ओपन सर्किट का नो सिग्नल, यानी ये भी ट्रेलर दो जो हमारे एरर कोड हैं वो हमारे ट्रेलर बल्ब के हैं, और जो हमारा एक कोट है वो हमारा सेंसर का, यानी कौन सा सेंसर है K2 जो ब्रेक पैडल के ऊपर लगा होता है जिसके ऊपर 6162 लिखा होता है वो है। अब हमने किस तरह से काम किया इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एक तार जो है वो कटा हुआ, अंदर से आप देखेंगे जो कलर्ड है वो मतलब कटा हुआ, किस तरह से कटा ये तो नहीं पता, अभी आप देखेंगे ये कट गया, यानी यहाँ से दो तार जो हैं वो कट गए हैं। तो अभी हमने क्या किया, जैसे ही उसको ओपन किया आप देखेंगे अलग अलग तार हैं दोनों। अभी क्या करना है, ये यानी इसका जब वायरिंग मैंने चेक किया, इसके वायरिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिस भाइयों ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रिपेयरिंग करेंगे, रिपेयरिंग करने के बाद वायरिंग को प्रॉपर लगा देंगे, प्रॉपर लगाने के बाद हम फिर से अपने मीटर में जाएंगे, फिर से डायग्नोस्टिक में जाएंगे और चेक करेंगे सही है। अगर सही होगा तो क्या होगा, ये जो हमारा जो एरर आ रहा था ये करंट था, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी सारे भाइयों से रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। तब अभी हम इसको प्रॉपर लगाने वाले हैं, ये क्या ट्रेलर कंट्रोल बल्ब, और उसके बाद अभी हम दोबारा से जब हमने स्क्रीन पर ये बल्ब रह गया क्या 6443 जो सेंसर बता रहा था, ये सेंसर कौन सा था, हमारा जो पैडल रहता है जो ब्रेक पैडल जिसको हम ब्रेक दबाते हैं वहाँ उस वायरिंग को हमें चेक करना है। ये अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो न्यू टेप लगा रखी है हमने, ये इसके अंदर से यहाँ पे 13 के इसके अंदर से एक जो तार था वो हमारा कटा हुआ था, वायरिंग चेक किया था तो तार कटा हुआ था, सिग्नल नहीं दे रहा था। अभी क्या किया मैंने, पूरी तरह से 100% बिना कंप्यूटर लगाए गाड़ी को ओके कर दिया। उसके बाद जब मैंने कंप्यूटर कनेक्ट किया आप देख सकते हैं कि सेम वही एरर सारे स्टोरेज हो गए जो पहले थे, ये FR का है, उससे पहले BS का था, और ये अभी हमारा जब हमने डिलीट किया तो BS का हो